इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है। हटाओ बाबर आजम को, पीसीबी वर्सेस बाबर आजम, फिर वो बेचारे एक और मैच आ रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया जी हम ये देखेंगे वो देखेंगे, बाद में चेंजेस भी सोच सकते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एम्बेरसमेंट, वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ही कहूंगा जाका अशरफ साहब, उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा है जी मेरी गद्दी मेरी कुर्सी, भले ही मैं ट्रक के नीचे कप्तान को दे दूं, प्लेयरों को दे दूं या किसी को भी दे दूं। शाहिद अफरीदी ने पता क्या बोला, उन्होंने कहा घटिया काम है इंजाम जो कि, तो उन पे इल्जाम ये था कि एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें उनका 25% स्टेक है, मोहम्मद रिजवान का भी है और 6-7 प्लेयर उन्होंने साइन किए हुए थे उसी कंपनी ने। आज इंजाम को बुलाया जाकर अशरफ साहब ने, इंजाम को बोला कि जी हम 5 बंदों की कमेटी बना रहे हैं, इंजाम ने कहा मैं रिजाइन कर देता हूं। इंजाम ने यह कहा है कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो सस्पेंडेड रेजिग्नेशन है। सामने क्रम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त एक बोंचाल की सी कैफियत है। बाबर आजम की चैट लीक पर एक नया बवाल खड़ा हुआ जिसके बाद एक कंपनी का स्कैंडल निकल कर सामने आया जिसमें चीफ सिलेक्टर और खिलाड़ियों के नाम सामने आए। जका अशरफ पर बड़ी तनकीद हो रही है और गुज़श्ता रोज मुलाकात के लिए वक्त न मिलने की वजह से चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने भी इस्तीफा पेश कर दिया है। यानी कि जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी रही इसी तरह बोर्ड के अंदर भी उथल पुथल का एक नया दौर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जका अशरफ को शर्म दिलाने के लिए शेमा न्यूज जका अशरफ के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। बाबर आजम के साथ इजहार यकजहती भी की जा रही है कि बोर्ड ने यानी जका अशरफ ने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर से मट्टी झाड़ने के लिए बाबर आजम की चैट लीक की है। इस सारे मामले पर अब विक्रांत गुप्ता ने खुलकर अपना एनालिसिस पेश किया है जो कि आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी जितने भी सहाफी हैं वो इसे घटिया हरकत करार दे रहे हैं। बाकी सहाफियों की जुबानें भी आपको सुनाएंगे कि किस तरह एक बेहुदा हरकत की गई, पर्सनल चैट को लीक करके शाहिद अफरीदी हो पाकिस्तान के अंदर, बाकी वकार यूनस हो या और भी जितने भी लेजेंड्स हैं क्रिकेट के, हत्ता के जब चैट लीक की गई तो उस वक्त प्रोग्राम में मौजूद अजहर अली ने भी फौरी तौर पर उस पर एतराज उठाया था कि आप बाबर आजम की इजाजत के बगैर कैसे उसकी चैट को सामने ला सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं। बहरहाल विक्रांत गुप्ता ने जबरदस्त क्लास ली है जका अशरफ की और ये तक कहा है कि अगर पाकिस्तान यहां से भी सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है तो फिर इन लोगों का क्या हाल होगा। आइए आपको दिखाते हैं विक्रांत गुप्ता का इस बारे में एनालिसिस। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है। मैं पहले हाहाकार का इस्तेमाल करता था लफ्ज़, हाहाकार नहीं भूचाल आ गया। टीम उनकी एशिया कप हारी, वर्ल्ड कप आई, 2 मैच जीती, इंडिया वाला मैच जो उनका तीसरा ही मैच था वहां से शुरू हो गया वो कोर्स, हटाओ बाबर आजम को, पीसीबी वर्सेस बाबर आजम, फिर वो बेचारे एक और मैच आ रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया जी हम ये देखेंगे वो देखेंगे, बाद में चेंजेस भी सोच सकते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एम्बेरसमेंट है। मतलब कहते हैं ना शर्मसार होना, ये वो पिछले 24 घंटे आए हैं। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ही कहूंगा जाका अशरफ साहब, उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा है जी मेरी गद्दी मेरी कुर्सी, भले ही मैं ट्रक के नीचे कप्तान को दे दूं, प्लेयरों को दे दूं या किसी को भी दे दूं। तो आप जानते ही हैं कि मनोज ने एक वीडियो करके दिखाया कि पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपना पूरा एजेंडा सेट किया, उन्होंने यहां तक कहा जी ये लीजिए, क्योंकि इल्जाम ये लगा था कि राशिद लतीफ बोला था कि जी बाबर आजम फोन कर रहे हैं और जाकर अशरफ उठा नहीं गए, तो उन्होंने कहा जी देखो जी मुझे कोई फोन नहीं आया और ये स्क्रीनशॉट आप लेके आप अपने चैनल पे चला दें। हालांकि वो किसी और का बाबर से चैट था, वो चलो हो गया सीओओ है तो उसमें उन्होंने मतलब बाबर आजम से बिना पूछे उनके आई थिंक बिना इजाजत के, या ये भी हो सकता है कि बाबर को ये कहा गया हो कि आपको ये फला मैसेज आएगा और आपको जवाब देना है। इवन ये भी चल रहा है वहां पर कि मैं काफी लोग अलग अलग स्क्रीनशॉट उसके बना रहे हैं उसी चैट पर। अच्छा। तो अब वो ही पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है। क्या वो जो उन्होंने दिया वो सही है? नो डाउट कर तो बाबर आजम से चलो हमें नहीं पता वो हो गया। क्या होता है सवाल जवाब उनसे? फिर अब ये तो बाबर से तो आज सवाल होना चाहिए था अगर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं क्या रहा, मैंने आज फॉलो करी। कल उनके लिए मस्ट विन मैच है, मतलब मस्ट बांग्लादेश, कल तो पाकिस्तान जीत जाएगा अपने देश से बचने के लिए। मस्ट विन है, कल पाकिस्तान बच जाएगा, जीतेगा। वर्ल्ड कप का कुछ नहीं है, उनको मस्ट विन अपने लिए बचना। लेकिन आज क्या हुआ फिर? एक और खबर चली रही थी पिछले कुछ दिनों से कि जी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इंजमाम जो कि 7 अगस्त को इसी साल चीफ सेलेक्टर बनाए गए थे, तो उन पे इल्जाम ये था कि एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें उनका 25% स्टेक है, मोहम्मद रिजवान का भी है और 6-7 प्लेयर उन्होंने साइन किए हुए थे उसी कंपनी ने। तो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे है? आप चीफ सेलेक्टर है तो भाई वो प्लेयर आपकी कंपनी से साइंड है तो जी आप उनको जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये एक एलिगेशन था। आज इंजमाम को बुलाया जाकर अशरफ साहब ने, इंजमाम को बोला कि जी हम 5 बंदों की कमेटी बना रहे हैं, इंजाम ने कहा मैं रिजाइन कर देता हूं। बट अभी जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो ये है कि इंजमाम ने ये कहा है कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो सस्पेंडेड रेजिग्नेशन है। ओके, ये परमानेंट नहीं है, तब तक के लिए मतलब मेरा रेजिग्नेशन है जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन है, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मैं कसूरवार नहीं हुआ,
मैं दोबारा आ जाऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर ये भी कि जाकिर अशरफ साहब भी मेरे कल एक हफ्ते के मेहमान है, 5 तारीख को उनका फैसला है जी। तो ये एक तो समझ में नहीं आ रहा, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम चलता कैसे है, क्योंकि आजकल बड़ी ज्यादा चीजें हुई है एशिया कप से लेकर अब तो, आई थिंक इंडिया में लोगों ने ज्यादा वो देखा, बट वो वही है कि सरकार में कुछ इधर उधर होगा तो आपका वहां पर भी एक चेंज आता है। लेकिन इसी सब में जो पूरे का पूरा मुद्दा चल रहा है वहां पर ये भी आ रहा है कि भाई अगेन जो एक सवाल चल रहा है कि पीसीबी वर्सेस प्लेयर्स, उसको लेकर सर बात ये निकल कर आई है कि जो मुद्दा जहां से बहुत बड़ा बना उसकी एक वजह रही थी कि जो हम देखते भी आजकल और अब धीरे धीरे क्रिकेट में भी उसकी एंट्री हो चुकी है, वो है कहीं ना कहीं जो बैटिंग एप्स एक तरीके से रहती हैं उनके हम देखते हैं स्पॉन्सर्स बकायदा अच्छी अच्छी टीम्स के आप देखोगे कि भाई बैक पर शोल्डर्स पर कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, तो कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स को उससे भी रिजर्वेशंस थी। बट आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके होंगे, पैसा कुछ एक जैसे आप कहते हैं कि टोकन मनी टाइप कुछ रख लिया गया होगा, तो उसके बाद अब वो क्या करें, तो उसका भी प्रेशर था जिसके चलते भी तनाव बढ़ा है। बिल्कुल, ये भी एक अलग सी सिचुएशन है कि मेरा सिंपल ये है, फिर मैं आप लोगों से भी जानता हूं कि देखो इन्होंने ये होता है मतलब, और ये हमारे भी कभी कभी पहले होता था, और ये हम मीडिया भी कसूरवार होते हैं, हम एक तरफ की कहानी सुनते हैं क्योंकि कभी कभी दूसरी तरफ की एक्सेस हमें मिलती नहीं, ठीक है ना। अब अगर जर्नलिस्ट को बाबर आजम की एक्सेस नहीं है तो वो तो वही सुनेगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेगा, तो वहां पर उन्होंने साफ कर दिया है कि जी हार गए कोई परवाह नहीं, ये हार हुई है इंजमाम के कारण, बाबर के कारण, बार बार वो बोलते हैं। नजम सिटी, हाँ, जो पिछले टेन्योर जी, तो अब इंजमाम को मैं देख रहा हूं तो 7 अगस्त को सिलेक्टर बने हैं और 30 अगस्त को तो एशिया कप शुरू हो गया, तो वो कौन सी टीम में बदलाव कर सकते थे? वो तो भाई जब आप आए हो तो आपकी जो कप्तान और कोच मांगेंगे आपको तो वही टीम देनी पड़ेगी, और पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मतलब 40 प्लेयर बाहर बैठे थे जो वर्ल्ड कप की टीम में चुने नहीं गए? इसके लिए भी जाकिर अशरफ ने नजम सेठी के टेनर को ही दोष दिया, प्लेयर के पीछे 40 कि हमारे टाइम पर उन्होंने बोला कि जब आपको याद होगा कि 10-11 साल पहले जब मैं था पावर में और जिस तरीके से था, तो हमारे पास हर प्लेयर के पीछे 6-7 बैकअप थे, आप यहां पर कोई था ही नहीं, क्या करते? और दूसरा अगर कर भी देते तो अगर हम करते तो ये लोग बोलते पूरा ठीक रहा हमारे। कल का जो वाकया है ना उस पर शाहिद अफरीदी ने पता क्या बोला, उन्होंने कहा घटिया काम है, घटिया काम है ये चीज हो रही कल का जो वाकया हुआ है। इसमें सिर्फ वही चीज है जैसे हम कहते हैं कुछ कुछ चीजें, अब ये कोई फैन करता कोई XYZ करता कुछ फर्क नहीं पड़ता, द मोमेंट आपका क्रिकेट बोर्ड और आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो यहां पर करते हैं, तो आप पहले उसको इंडिविजुअल को देखते हो, देन आप पीसीबी देखते हो, देन आप पाकिस्तान एज अ नेशन भी देखते हो, तो ये आप एक तरीके से अपने देश के लिए एक एम्बेरसमेंट वाला काम कर रहे हो। क्योंकि देखो जब बात ट्रेवल करेगी ग्लोबल मीडिया में, जैसे हम अपने लिए भी कह रहे थे कभी कभी कि जो यार हम शायद वर्ल्ड कप की होस्टिंग को लेकर बात कर रहे थे और उसमें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फ्रंट पर कुछ दिक्कतें थी, तो आप एज अ नेशन भी वहां पर आते हो, तो वो सेम चीज वो कर रहे हैं कि भाई ठीक क्रिकेट फ्रंट पर तो आपका हो ही रहा है कि जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसकी वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है, बातें हो रही है, बट एज अ नेशन भी आप उतनी ही एम्बेरसमेंट बुला रहे हो जिसकी शायद इस वक्त पर जरूरत नहीं थी, जो उनकी प्रेस रिलीजेज आई है, जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, जो उनके इस वक्त इंटरव्यूज आ रहे हैं, उसकी कोई जरूरत है नहीं जो आप कर रहे हो बखेड़ा। इसमें एक चीज और है ना जो चल रहा है इस समय की सैलरी वाला इशू, की भाई 5 महीने की सैलरी जो है वो उधर से लीक हुआ है, वो प्लेयरों की तरफ से हुआ है।